बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ख़ास है और बहुत ही उम्दा है। और ये रेसिपी जो है ना, कुछ लोग ही जानते हैं तो कुछ को नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास किस्म के पकौड़े। और वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे पकौड़े खाए होंगे ज़िंदगी में, चिकन पकौड़ा भी खाया होगा, आलू वाले भी खाए होंगे, पालक वाले। लेकिन आज जो है ना बहुत ही मुनफरिद बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को पूरा देखना है। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैंने आलू ले लिए हैं, और ये प्याज हैं, और मेरे पास हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, बाकी के ये खुशक मसाला जाते हैं, और ये मेरे पास अजवाइन है, और ये मेरे पास सूखी मेथी, कुटा हुआ धनिया, और ये मेरे पास बेसन है, और जो ख़ास चीज़ है मेरे पास आज, और ये मेरे पास है पत्ते। और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं, और एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं। तो आप लोगों ने गेस करना है कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये सारी जो सब्जियाँ हैं इनको मैं ब्रेक ब्रेक काट लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इसको हाथ की मदद से आपने अच्छे से जो है ना गूंद लेना है इसका, और जितनी देर इसको आप लोग हाथ की मदद से इस तरह से गूंदते रहेंगे तो इसका जायका जो है ना फ्लेवर वो बढ़ता जाएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। ये नहीं है कि ऐसे ही ला के रख लें, थोड़ी देर इसको ना इस तरीके से जो है ना मसाला जो है ना वो अच्छे से रेडी हो चुका है, और इसको मैं तकरीबन 10-15 मिनट रेस्ट दूंगी, उसके बाद फिर हम इसके पकौड़े बना लेंगे। और इस टाइम पे आप लोगों ने जो है ना इस तरह से उंगली से जो है ना लगा के ये मसाला, तो आपने चेक करना है कि किस तरह से इसका नमक मिर्च मसाला जो है ना, तो वो फिर आप लोग काम करो तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मसाला रेडी है, और ये माशाल्लाह से ऑयल भी गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह करते हैं, पकौड़े डालते हैं। जी तो
सारे रेडी हो चुके हैं और इनको मैं निकाल दूंगी इसके प्यारे व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लजीज और मुनफरद तरीके से बनाए गए और ये पकौड़े बहुत ही मज़ेदार हैं और जो आप लोगों के लिए सरप्राइज था कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी और आपने भी कमेंट करके बताया कि इसमें मैंने किस चीज़ के पत्ते डाले हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो थे अरवी पत्ता थे, अरवी के पत्ते थे और ये पकौड़ों में डाले हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्पाइसी बने हैं, इनको आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें और मिलते हैं आगे एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।